जब से पीएम मोदी गए हैं 9th मोस्ट सर्च्ड हो गया था जिस समय ये आर्टिकल हुआ गूगल सर्चेज में। क्या कहते हैं कि इस एज में आपके जो फेवरेट लीडर है वो पानी में और सर्दी में पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। देखें वो जगह ऐसी है, इतनी खूबसूरत जगह है कि इससे पहले मैंने ऐसी जगह मतलब इंडिया में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। और बाद में वो नंबर वन सर्च बन गया था इंडियंस के लिए गूगल पे, नंबर वन लक्षद्वीप। जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉक स्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है। अगर वो लीग उन्होंने दिखाई है ना आज, तो उस लीग पे हजारों लोग आएंगे देखने के लिए कि मोदी जी इधर आए थे। और इतनी खूबसूरत आप फिश देखें, कितनी प्यारी प्यारी कलरफुल फिश है उनके बीच में, मोदी जी स्विमिंग कर रहे हैं। ये भी सामने आ रहा है कि ताज के दो होटल खुल रहे हैं वहां पे, बहुत फेमस होटल खुल रहे हैं ताज के, वो दो लग्जरी रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं। वो एक डेस्टिनेशन बनेगा, वो एक हब बनेगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जाने का मकसद वही था। हमारे प्राइम मिनिस्टर रिलैक्स होने जाते हैं लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कौन कौन से मुल्क में, और पाकिस्तान के पैसे से, गरीब मुल्क के पैसे से। और उनके वजीर आजम क्या कर रहे हैं कि अपने ही मुल्क की एक प्यारी सी झील है या लीग है उसे प्रमोट कर रहे हैं, अब उधर पैसा लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सब जानते हैं आज से कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, जहां पर उन्होंने भारतीयों को लक्षद्वीप के विजिट करने के लिए इनवाइट किया था। और प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्षद्वीप के बाद से लक्षद्वीप गूगल सर्चेस में नंबर वन पे आ गया है, और लक्षद्वीप का सर्चिंग रेट स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। और दोस्तों इसके साथ साथ काफ़ी सारे फॉरेन टूरिस्ट भी लक्षद्वीप आना चाहते हैं, और उन्हें लक्षद्वीप आने में अलग क्रेज़ दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसके साथ साथ लक्षद्वीप में अब काफ़ी सारे नए रिसॉर्ट्स बनाए जाएंगे, जिनमें से दो तो ताज के रिसॉर्ट्स भी होंगे। और दोस्तों इससे साफ पता चल रहा है कि अब भारत लक्षद्वीप को मालदीव्स की तरह बनाने जा रहा है, जहां पर जिस तरह से काफ़ी सारे टूरिस्ट मालदीव्स में अपना वेकेशन बिताना पसंद करते हैं, इसी तरह से अब दुनिया भर के फॉरेन टूरिस्ट लक्षद्वीप आकर अपना वेकेशन बिताना पसंद करेंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ मालदीव्स को इससे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब लक्षद्वीप में काफी सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। क्या कहते हैं कि इस एज में आपके जो फेवरेट लीडर है वो पानी में और सर्दी में पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। जी मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, देखिये इससे पहले ना फिटनेस में हम लोग इमरान खान साहब को बड़ा लाइक करते होते थे, क्योंकि वो स्पोर्ट्स मैन है, वो वॉक बहुत करते हैं, वो अपने पेड़ के साथ पत्थर बांध के एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बड़ा उन्हें इन चीजों में देखते थे। लेकिन आज मोदी जी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पूछे किस तरह? एक तो देखें स्विमिंग कोई आसान चीज नहीं होती, जो भी स्विमर है जो स्विमिंग करते हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वो खुद बताएंगे कि स्विमिंग के लिए बड़ा फिट होना चाहता है, सांस चाहिए आपको उसमें स्विमिंग करने के लिए। फिर मोदी जी क्या फिट नजर आ रहे हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है ऑरेंज कलर का, और क्या वो मतलब अपना स्विमिंग कर रहे हैं। और उसमें मछलियों में अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लीज लाजमी ये देखें कि किस तरह वो स्विमिंग कर रहे हैं, मछली है, मछलियों में तैर रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे इंपॉर्टेंट बात इसके बीच में लगी है, देखें वो जगह ऐसी है, इतनी खूबसूरत जगह है कि इससे पहले मैंने ऐसी जगह मतलब इंडिया में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। देखें अगर मोदी जी उधर गए, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो जगह प्रमोट होगी, इंटरनेशनल लेवल एडवर्टाइजिंग होगी, उधर टूरिस्ट आएंगे, और उसका कितना फायदा होगा इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो ये बहुत अच्छे कदम उठाते हैं मोदी जी। मतलब है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी अगर वीकेंड पे भी कहीं पे जाते हैं, अपना एंजॉयमेंट के लिए भी कहीं पे जाते हैं, रिलैक्स होने भी कहीं पे जाते हैं, तो वो वहां पे भी जाके अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर जाते हैं, और जहां भी जाते हैं उधर की तरक्की के लिए करोड़ों रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपया भी देते हैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, उसे इन्वेस्ट करते हैं, उसे खूबसूरत बनाने के लिए, उसे प्यारा करने, जो कमियां हैं उधर। अभी देखिए रिसेंटली मोदी जी अभी एक जगह पे गए, अयोध्या का विजिट कर रहे थे, उधर भी उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। अभी देखिए चाय के ऊपर एक बड़ा स्कैंडल चला हुआ, बड़ी बात इन्वेस्टमेंट अयोध्या के लिए 15,700 करोड़ उन्होंने दिया है सिर्फ उनके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और जो चाय की आप बात कर रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उन्होंने
उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी ये बताएंगे। मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए उधर ना पता नहीं कितने हजार सिलेंडर जो है गरीब करोड़ों में सिलेंडर गरीब लोगों को बांटे गए, फ्री दिए गए। अच्छा वो सिलेंडर तो दिए, अब मोदी जी क्या करते हैं, ये क्लास होती है सर, हर बंदा ये नहीं कर सकता। मोदी जी अचानक किसी के घर में जाते हैं और ये चेक करने जाते हैं कि सिलेंडर इन्हें मिला है कि नहीं मिला। अच्छा उनके घर में जाते हैं, बहाना क्या लगा रहे हैं कि आपको सिलेंडर मिला, उन्होंने कहा जी मिला, उन्होंने कहा जी उसी सिलेंडर पे मुझे चाय बना के पिलाएं। अब उन्होंने उस फैमिली ने, वो तो उनकी खुश नसीबी है कि मोदी जी उनके घर आए हैं, खैर उसी सिलेंडर पे वो चाय बनाते हैं, चाय मोदी जी को पिलाते हैं, मोदी जी चाय पीते हैं। तो वो कहते हैं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मीठा जो है ना तेज पीते हो, और वो कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, चाय को बेहतर समझता हूँ, चाय किस तरह की होती कैसी बननी बनाते हैं। देखिए वो चाय वाले जो अपने आप को बताते हैं ना, ऐसा चाय वाला पूरी दुनिया को चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान को चाहिए। चाय वाला बेइज्जती नहीं है, चाय वाला अगर किसी ने देखना है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखे जिसने अपने मुल्क की तकदीर बदल दी है। ब्रांड बन गया ना चाय वाला, ब्रांड उन्होंने अपने मुल्क की तकदीर बदल दी, अपने मुल्क को कहां से कहां ले गए हैं, तो ये चीजें देखने वाली हैं सर। उनकी लोकप्रियता ये भी का कारण ये भी है कि वो हर एज के साथ कनेक्ट करते हैं। लक्षद्वीप को पॉपुलराइज करना एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो अब आप देखिएगा कि कैसे धूम धड़ाके के साथ जल्दी ही लोग लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक जो विंडो खोली है टूरिज्म की वहां, तो एकदम से हमने देखा जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉक स्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है और लोग बहुत ही उत्साहित हो के एंथुसियाज्म से वहां जाते हैं। यही प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो हर एज डेमोग्राफिक के साथ, वो हर कम्युनिटी के साथ, वो गरीब लोगों के साथ और हर समुदाय के साथ जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि आखिर में जब मेरे अक्सर मैं लोगों को पूछती हूँ जो उनसे काफी प्रेरित है, तो वो उनका मानना यही है कि प्रधानमंत्री एक चाय वाला होने के बावजूद प्रधानमंत्री बने और वो हमारी भाषा बोलते हैं, वो हम जैसे हैं, ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मैजिक फॉर्मूला उनकी लीडरशिप का है कि लोगों को लगता है कि वो उन जैसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे यहाँ भी बहुत बार एग्जांपल दी जाती है मोदी जी की और कहा जाता है कि देखें वो किस तरह से आगे बढ़े और एक चाय वाला, जैसे आपने कहा कि उस लाइफ से लेकर और आज तक जो प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचने का जो सफर है वो शायद ही हमारे किसी लीडर में हमने देखा हो, जो कि एक बहुत यकीनन सीखने वाली बात है और लोगों को यकीनन, और इवन जो प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं इमरान खान ने भी कहा कि कुछ भी कहिए लेकिन करप्ट नहीं है, कोई तरह की करप्शन के इल्जामात नहीं है। बिल्कुल एक कहना चाहिए कि मोदी जी के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इधर जायदाद बना ली या उधर कोई प्रॉपर्टी है या मुल्क से बाहर कुछ है, तो बिल्कुल ये सब चीजें तो डेफिनेटली हैं। और हमने उनका वो सफर भी देखा जो गुजरात के जमाने में एक उनके ऊपर एलिगेशन लगी थी और फिर हम बोलते थे इवन पाकिस्तानी पैनलिस्ट, मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब हमने वाकई में पढ़ा देखा सुना, आप जैसे लोगों को भी सुना, तो हमें पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं था और काफी चीजें जो है वो पाकिस्तान में भी लोग अब तारीफ करते हैं मोदी जी की।